Hello dear learners, welcome to Zetia platform 11th and 12th. Again same chapter है but lecture number 3 है, थोड़ी detailing ज्यादा होगी और आपके concentration terms जो है आज हम पूरी खत्म कर देंगे, फिर next lecture में और detailing करेंगे. तो अब पहले बात करते हैं कि हमारा lecture number 1 और 2 में क्या क्या हमने cover किया. थोड़ी सी हम review लेंगे lecture 1 और 2 का, फिर हम lecture number 3 start करेंगे. तो सबसे पहले lecture number 1 में हमने देखा, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और उसके बाद उसके कुछ टर्म्स देखे. देन आफ्टर लेक्चर नंबर 2 में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात की थी. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने मास, परसेंटेज, और दूसरा हमने क्या देखा, हमने मोल फ्रैक्शन किया. मतलब कि अभी तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है हमारे दो हो चुके हैं. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से दो हो चुके हैं, फर्स्ट हमारा हो चुका है मास परसेंटेज, और दूसरा हमारा हुआ है मोल फ्रैक्शन. ओके, मोल फ्रैक्शन कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे. जो भी डाउट हो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें डाउट आ रहा है, तो देन हम आगे उसका क्या, उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करके हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं, उसके ऊपर बात करें. ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो होगा थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर. मास परसेंटेज कर चुके हैं और मोल फ्रैक्शन की भी बात कर चुके हैं. मास परसेंटेज का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था. मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमारा था मास ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन, ठीक है, अपॉन टोटल मास इंटू 100, ये मास परसेंटेज का था. मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. ठीक है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, सॉल्यूट याद रखना. सॉल्यूट के लिए यहाँ पे तो मैंने मोल फ्रैक्शन ए और बी अलग अलग ले लिया, बट एक चीज ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन जो हम बी डिनोट करते हैं ये मोस्टली सॉल्यूट का होता है, और मोल फ्रैक्शन जो हम ए लिखते हैं वो मोस्टली आपका सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं. ठीक है, तो अभी तो हम ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है ये आपका, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कहीं कहीं याद रखना ये वाला टर्म इसमें नहीं जा रहा है आपका, बट ये चीज आपको याद रखना है कि कहीं पे अगर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा हुआ है तो मोस्टली वो सॉल्यूट का है. ठीक है, अगर बी लिखा हुआ है तो वो मोस्टली सॉल्यूट को डिफाइन करेगा, बट अगर बहुत सारे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शन इस केमिकल का मोल फ्रैक्शन इतना है, दूसरे का मोल फ्रैक्शन इतना है, तो आप अलग अलग कंसंट्रेट, आप फिर ऐसे लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या जो भी दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, है ना, तो टोटल में से आप लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, जो भी जितने भी टर्म्स है, जितने भी आपका टोटल आपने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें जितने भी सॉल्यूट आएंगे, जितना भी सॉल्यूट मिला के, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनाया, उसका पूरा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ आएंगे. बट मोस्टली जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के लिए हम एन बी से डिनोट करते हैं, मतलब ये वाले टर्म से, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो. ठीक है, यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट की, और यहाँ पे सॉल्यूट की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट तो है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला सॉल्यूट माना है. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना, बी भी यहाँ पे जो बी है ये बी भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है ये भी सॉल्यूट है ना. टोटल सॉल्यूशन तो आपका ये है. ठीक है, टोटल सॉल्यूशन में ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना. और अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एक एक चीज समझो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ए कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर में हमें इथाइल अल्कोहल मिलाया था तो वो भी हो सकता है. ठीक है, और दूसरा, और इसका टोटल जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बोल सकते हो इन वाटर, तो ये वाटर हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. और यही चीज मैं बोल रही हूँ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम बोल रहे हैं बी, तो मोस्टली जो एन बी लिखते हैं ना, एन बी लिखते हैं वो सॉल्यूट लिखते हैं, और मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन बी प्लस एन ए, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ सॉल्ट प्लस वाटर की, अगर मैं बात कर रही हूँ सॉल्ट प्लस वाटर की, उसमें ये वाटर के लिए मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, और सॉल्ट के लिए लिख रही हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट. ये चीज आप ध्यान रखना, अदरवाइज नॉर्मली तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली हम ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर.
तो उसमें ए बी कुछ नहीं लिखा होता तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऊपर नहीं आएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, तो ऐसे लिखेंगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं आज का जो टर्म है, आज के लिए जो टर्म है हमारी वो देखते हैं. जो दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है, दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म. तो सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका, सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलारिटी. मोलारिटी को आप ऐसे समझेंगे, डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा दूंगी कि क्या है डेफिनेशन. उसके लिए एक चीज समझना, चलो डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं क्या है. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, जिसको डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं. चलो ठीक है, पढ़ लिया क्या है. अब अगर मैं ये बोलूं कि 1 लीटर आपका कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट नहीं, 1 लीटर सोल्यूशन है, पूरा 1 लीटर सोल्यूशन है. 1 लीटर सोल्यूशन में मैंने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया. 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्ट ऐड कर दिया. 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्ट ऐड नहीं किया, सॉल्ट ऑलरेडी ऐड था. मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉल्ट था, सॉल्ट प्लस ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट प्लस वाटर है. टोटल जो उसका हम बोले लेवल था, टोटल जो इसका आपका वॉल्यूम हुआ वो है वन लीटर. उसको मैं बोलूंगी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 1 लीटर. मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालना चाहूं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, अगर मैं बोलू कि एक लीटर में मैंने टू मोल्स डिजोल्व करे थे, 1 लीटर में 2 मोल्स डिजोल्व करे थे, तो इसकी मोलारिटी कितनी होगी. सबसे पहले मोलारिटी जो टर्म है उसको हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से. ऑलरेडी लिखा हुआ है, मोलारिटी को हम डिफाइन करेंगे कैपिटल एम से. इसको ध्यान रखना है, मैंने लिख दिया है कैपिटल एम. मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर. मतलब हर एक लीटर में कितना सोल्यूट डिजोल्व है वो आप देखते हो, किसमें कितना लीटर सोल्यूट डिजोल्व है वो हम पता करते हैं मोलारिटी में. इतना समझ में आया आपको कि 1 लीटर में हमारा कितना सॉल्यूट डिजोल्व है, 1 लीटर में कितना सॉल्यूट डिजोल्व है. यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ये होता है कि जो 1 लीटर है, हमारा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो ये होता है कि 1 लीटर है उसमें अलग से मैं 2 मोल्स ऐड कर रही हूं. 2 मोल्स जो है, 2 मोल 1 लीटर में अगर है तो ये जो है, या फॉर एग्जाम्पल 2 मोल्स नहीं लेते, यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट ले लेती हूँ कि 2 ग्राम ले लिया. फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम सॉल्ट ऐड किया 1 लीटर में, तो 1 लीटर जो बना है ना वो आपका जो बना है वो सॉल्ट प्लस वाटर दोनों से बना है. मतलब जो 1 लीटर है, 1 लीटर में पानी प्लस सॉल्ट दोनों है. तो ये चीज ध्यान रखना, 1 लीटर जो हम बोल रहे हैं मोलारिटी के लिए, वो 1 लीटर में सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट दोनों है. उससे आपका क्या बना है, उससे आपका ये जो पूरा सोल्यूशन बना है 1 लीटर का वो तैयार हुआ. इसको अभी क्लियर इसलिए कराया क्योंकि मोलैलिटी वाली जो टर्म आएगी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा. इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पे जो 1 लीटर बना है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों से मिला के 1 लीटर बना है. ठीक है, अब मैंने बोला कि ठीक है भाई 1 लीटर बोल दिया, अब हमें क्या समझ में आ गया, अब हमें ये समझ में आ गया कि जो मोलारिटी है जिसको मैं M से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल M से, उसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अभी सोल्यूट ले रही हूँ तो यहाँ पे देखो मैं डिफाइन करूंगी B. ठीक है, सोल्यूट लिया था इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है मोलारिटी का. इतना समझ में आया. अब वापस से वही एग्जाम्पल लेते हैं. अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 लीटर या चलो 10 लीटर नहीं, मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है 12 लीटर्स ले लेते हैं. चलो 12 लीटर्स है ना, 12 लीटर्स
12 लीटर पानी है, 12 लीटर पानी में मैंने कितने, 12 लीटर पानी में मैंने 24 मोल्स ऐड किए, तो बताओ, तो बताइए मोलारिटी कितनी होगी, तो बताइए मोलारिटी कितनी हो। चीज समझ में आई आपको क्या बोल रहे हैं? अगेन देखिए, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये है आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। अब मैंने बोला कि टोटल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 लीटर, ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, ये 1 1 ले रहे हैं ना, 1 लीटर, ये 1 1 1 1, ऐसे करके हर बॉक्स को मैंने डिवाइड कर दिया एक एक लीटर में। तो अब मैंने बोला 1 लीटर, यहाँ पे मैंने बोला कि 12 लीटर में, बहुत बड़ी टंकी ली 12 लीटर वाली टंकी, 12 लीटर की टंकी में 24 मोल्स मैंने ऐड किए शुगर के सॉल्यूट के, किसी भी सॉल्यूट के 24 मोल्स ऐड किए। अब मैं पूछ रही हूँ कि बताओ उसकी मोलारिटी कितनी होगी। अब मुझे पता है कि जो मोलारिटी है वो 1 लीटर में हम डिफाइन करते हैं, 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज मोलारिटी। तो मैं, चलो निकालते हैं 1 लीटर, यहाँ पे तो हर एक 1 लीटर का ही निकाल रही हूँ ना, मैं 1 लीटर का ही निकाल रही हूँ, या 1 लीटर का नहीं भी निकालूंगी तो मैंने क्या किया, 24 मोल्स, मतलब आपकी वैल्यू लीटर्स में होनी चाहिए, 24 मोल्स डिवाइड बाय 12। अब फॉर्मूले में मत जाओ, डायरेक्टली खुद बोलो कि 1 लीटर में टोटल 12 लीटर में 24 मोल्स हैं, तो 1 लीटर में कितना होगा, 2 मोल्स। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, टू मोल्स इन 1 लीटर। मतलब कि फिर से समझना, टंकी हमारी अभी इतनी ली थी, है ना। अब मैं इसको बहुत बड़ी सी टंकी ले ली जो 500 लीटर की या 1000 लीटर की, पर मुझे लीटर से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोलारिटी, और अगर उसकी मोलारिटी डिफाइन करने बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बिकेज क्यों नहीं पड़ेगा, बिकेज हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन वैल्यू जो हमें देनी है या जिसको ध्यान रखना वो है 1 लीटर में कितना मोल्स डिजोल्व है वो बताना है, बस। कितनी भी बड़ी टंकी हो, कितना भी उसका वॉल्यूम हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जो आपका फॉर्मूला है उसको डिफाइन कर दिया कि 1 लीटर में कितना होगा, फिर इनटू हम कर देंगे उतना, तो फिर उसका फाइनल आ जाएगा कि मोलारिटी क्या है। तो इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये फॉर्मूला हो गया। देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ध्यान रखना है इन लीटर्स। अब क्या करना है, अब आपको ये ध्यान रखना है इस नेक्स्ट फॉर्मूले को, मैं नेक्स्ट पे डिफाइन करूंगी। चलो यहाँ पे भी अगर डिफाइन कर दे तो वो ये कि, चलो ठीक है मैम, आपने बोला कि लीटर में अगर होगी वैल्यू, यहाँ पे तो लीटर में गिवन थी, तो मैंने क्या किया, 24 डिवाइड बाय 12 कर दिया तो मेरा 2 मोल आ गया। पर व्हाट इफ द वैल्यू इज गिवन इन मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में गिवन होगा तो क्या करेंगे, तो मिलीलीटर में गिवन होगा तो इनटू, यहाँ पे तो मिलीलीटर में वैल्यू आ गई, इनटू अब इनटू 1000 कर देना जो कि यहाँ लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, कब, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एमएल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास, किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब ये जो है ये वॉल्यूम लेना है आपको, ठीक है। अब ये जो आया है इससे आपका आया है मोलारिटी। अब इससे रिलेटेड ना हम एक्चुअल में 3-4 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे एक के बाद दूसरे को, एक ही से हम 3-4 फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे। अब ये भी कैसे आया वो आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये वाला वैल्यू है, ठीक है, देखना अभी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं, यहाँ पे 4 फॉर्मूलेस लिखे हैं, ठीक है, चारों को आज हम डिराइव करेंगे। पहले देखिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है, मोलारिटी अभी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये वॉल्यूम लिख के स्मॉल एल बना दे रही हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स पहला वाला डिफाइन हुआ, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम जो मैंने लिया है, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो इसी फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लीटर्स, वही लिखा है यहाँ पे, देखिए
ठीक है। तीसरा मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इसी को वापस से लिखते हैं। देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू ये नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू सोल्यूशन इन लीटर्स, इंटू सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला एक और आ गया, दैट इज मोलैरिटी, ये वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं ये, ताकि आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाओ ना, ये जो बी लिखा है वो सोल्यूट के लिए लिखा है, ठीक है, ये वाला सोल्यूट के लिए लिखा है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू गिवन 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 वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू दिस, ठीक है। अब इसी को ये वाला अगर आप देखेंगे कि अगर ये लीटर जो है, अगर ये वॉल्यूम जो है, अगर लीटर में नहीं देखिए किसमें दिया हो, एमएल में, तो इंटू ऊपर आप इंटू करेंगे, ऊपर आप इंटू करोगे 1000, ये एमएल में होगा, है ना, वॉल्यूम इन एमएल, तो ये वॉल्यूम आपका एमएल में होगा और ऊपर आप करोगे 1000 इंटू। तो कितने फॉर्मूले होते जा रहे हैं आप लिखते जाओगे, पहला फॉर्मूला, ठीक है, इसी से दूसरा फॉर्मूला आ गया, इसको मैं दूसरा नहीं ले रही हूँ, थर्ड सेकेंड फॉर्मूला इज दिस, सेकेंड फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद चलो इसको सेकंड ले लो, इसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड या फोर्थ आप देख लो, तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन को करने में हेल्प होती है, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन, ये मैं वापस लिख दे रही हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज मास या मास परसेंटेज बोलोगे इंटू 10 इंटू 10 इंटू डेंसिटी इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन, यहां पे विजिबल नहीं है इसलिए मैंने लिखा अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दिस फॉर्मूला इज अगेन इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए आपके तीन चार फॉर्मूलेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट इज दिस, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड इज दिस, दिस इज थर्ड इज दिस, और ये वाला आपका फोर्थ हो गया, एंड दिस इज ये वाला फोर्थ हो गया, ये थर्ड है, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो ये चार फॉर्मूलेज है जो कि आपको ध्यान रखना है, पहला याद करो वापस से, लर्न, रटना नहीं है उसको, ध्यान से करना है। ध्यान से कैसे लगाओगे, मुझे पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या लिखोगे, वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब इसी को नंबर ऑफ, इसको से इंटू करोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यही लिखा है मैंने। अब ये वाला फॉर्मूले पे वापस आओ, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या करूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू दिस, ये हो गया। फोर्थ क्या किया, अगर आपका वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, दिस अपॉन मोलर मास इंटू मिलीलीटर, तो ऑलरेडी था ऊपर, आप 1000 कर दोगे, तो ये आ गया। और फोर्थ है आपका ये परसेंटेज मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो दीज आर फोर फॉर्मूलेज जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत हेल्प फुल होता है, ये चार्ट को आपको खुद से लिख लेना है, टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है जब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनमें न्यूमेरिकल्स जब आप देखोगे तो उसमें कुछ टर्म्स आपको लिखी होती है, मोलर, किसी में लिखा होगा सेमी मोलर, किसी में लिखा होगा डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, क्या मतलब होता है, उसमें डायरेक्टली आपको ये वैल्यूज नहीं गिवन होगी, डायरेक्टली ये वैल्यूज गिवन नहीं होगी, सिर्फ वर्ड्स लिखे होंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा वर्ड सेंटीमोलर, क्या मतलब है सेंटीमीटर मतलब 100, तो सेंटीमोलर मतलब 1 by 1 by 1 by molar, सेंटीमोलर मतलब 1 by 100, 1 by 100 इज सेंटीमोलर, और मिलीमोलर मतलब 1 by 1000, डेसीमोलर मतलब 1 by 10, और सेमी का मतलब होता है हाफ, तो 1 by 2 मतलब सेमी मोलर। ये वर्ड्स आपको याद रखना है और इनकी वैल्यूज भी याद रखना है, वैल्यूज बहुत इजी है, मोलर का मतलब 1, सेमी का 1 by 2, सेंटीमीटर का 1 by 100, फिर क्या आ जाएगा, डेसीमीटर का 1 by
10 डेसीमोलर, सॉरी डेसीमोलर मतलब 1/10, और फिर अगर एक और आता है आपका मिली मोलर जिसमें 1/1000 हम करते हैं। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना जो कि हमने अभी देख लिया चारों फॉर्मूलेज, ठीक है। ये चारों फॉर्मूलेज हो गए हमारे, और बाकी कैसे करके डिराइव किया वो भी हमने देख लिया। इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे करोगे। दैट इज द इजिएस्ट इजिएस्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किस पे है, आपका मोलैरिटी पे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी तो हैबिट है ही, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम उसका क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप लोग को भी ऐसी हैबिट डालनी है कि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है। जो उससे रिलेट कर रहा है वो फॉर्मूले को आप लिखोगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूं फॉर्मूला, फॉर्मूला है मोलैरिटी का, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरा ही लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 लीटर में निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन, एक और फॉर्मूला था ना हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे गिवन मास क्या है आपका, गिवन मास है 20, मोलर मास कितना है, मोलर मास इक्वल्स टू NaOH का मोलर मास कितना होता है, NaOH का आपका मोलर मास होता है 40, NaOH का मोलर मास होता है आपका 40, तो 40 यहां पे लिख देते हैं, 40 मोलर मास है कितने में, 1 लीटर में। तो मैंने इसको 1/2 मतलब 0.5 मोलैरिटी हो जाएगी आपकी 0.5, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा, मोल पर लीटर मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.5 मोलैरिटी का सोल्यूशन हो जाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको आप कैसे लिखोगे, मोलैरिटी डायरेक्टली आप लिखोगे 0.5 इसकी मोलैरिटी हो गई। और मोलैरिटी की वैल्यू क्या होती है, मोलैरिटी का जब हम यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जो कि पहले लिखा था, मोल अपॉन लीटर, ठीक है। और मोलैरिटी को डायरेक्टली अगर आपका आता है 5m मतलब 5 मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन है, 2m मतलब 2m मतलब कि 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फिर से देखिए यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, वापस से ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करा है, यहाँ पे हमने इसको जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो ये वाला आपको आंसर मिल गया है, 0.5 मोल पर लीटर का जो सॉल्यूशन है वो इतना मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.5 पर लीटर मतलब 1 लीटर में 0.5 आपका जो है 0.5 मोल मिक्स है किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैरिटी। इसके लिए एक चीज समझिए कि कभी भी घर में अगर मेहमान है, फॉर एग्जाम्पल घर पे मेहमान है तो हमें पता है कि अगर मम्मी को कॉफी बनानी है या चाय बनानी है, चलो कॉफी बनानी है, तो क्या होता है कि जो मिल्क है वो बहुत कम है, तो क्या करेंगे मम्मी मोस्टली ये चीज करती है कि उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं, पानी मिक्स करके मिल्क को डाइल्यूट कर देते हैं, पानी मिक्स करके क्या करेंगे, मिल्क को डाइल्यूट कर देंगे। तो ये डाइल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डाइल्यूशन का मतलब ये है कि जो भी आपका सोल्यूशन पहले था उसको और मतलब क्या बोलोगे आप, उसको पतला कर देना, मतलब कि जो सोल्यूशन था उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, मिल्क का कंटेंट ज्यादा था, अब हम उसे पानी मिला दिया, तो पर लीटर की अगर बात करें या पर मिलीलीटर की बात करें उसमें जो मिल्क का कंटेंट है वो कम हो गया क्योंकि डाइल्यूट हो गया। अब उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताती हूँ,
कि यहाँ पे मैंने छोटे छोटे, यहाँ पे आपका कोई बीकर है, उस बीकर में कुछ शुगर के, यहाँ पे शुगर लिया है, शुगर यहाँ पे डली हुई है बीकर के एंड में। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10 moles शुगर थे, ठीक है। अब इस शुगर में मैंने 250 ml वाटर ऐड किया, तो ठीक है, वाटर तो ये हो गया, ठीक है, वाटर ये हो गया आपका। अब इसमें मैं शुगर के जो पार्टिकल्स थे, देखो पहले नीचे थे पूरे शुगर के पार्टिकल्स, और अब ये पूरे मिक्सचर में होमोजीनियसली मिक्स हो गए हैं, हाँ वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम आपका यहाँ तक हो गया, जो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल से ऊपर तक आ गए और वॉल्यूम बढ़ के हो गया आपका इतना, जो कि पहले आपका था यहाँ तक। तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, क्या डाइल्यूट करेंगे जब हम सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, आपका आंसर यस या नो में मुझे कमेंट में लिख के बताइए, क्या डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे या सेम रहेंगे या नहीं बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, वॉट एवर इज योर आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और अब मैं उसका फाइनल आंसर आपको देने जा रही हूँ कि क्या बढ़ेंगे या नहीं होंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, उसके थ्रू जिसको नहीं भी बन रहा था इसका आंसर वो भी दे पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बर्थडे पार्टी करनी थी, उसमें मैंने 100 लोगों को बुलाया और वो जो 100 लोग थे वो 100 लोग आए, और आने के बाद फॉर एग्जाम्पल बारिश हो गई, ठीक है, तो हमने क्या किया, वो लोग जो है वहां से मैंने उनको एक रूम में शिफ्ट किया। वो रूम बहुत छोटा था, तो यहाँ पे ये जो रूम है इसमें मैंने कितने 100 लोगों को शिफ्ट किया, अब ये रूम इतना छोटा था। अब इसमें क्या हुआ कि धीरे से मैंने देखा कि बाहर का वेदर बहुत अच्छा और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि चलो जितने लोग भी आए होंगे आराम से खाना वाना खा लेंगे, बट हुआ ये कि अरेंजमेंट तो प्रॉपर था बट लोग ज्यादा हो गए अकॉर्डिंग टू द स्पेस, स्पेस के अकॉर्डिंग लोग ज्यादा हो गए। अब लोग ज्यादा हो गए तो अब क्या हो रहा है, प्रॉपरली सारी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, तो मैंने बोला इनको ठीक है वापस से हम कहाँ चले गए, हम वापस से हॉल में चले गए। हॉल में गए तो क्या हुआ, ये लोग प्रॉपरली अपना स्पेस लेके प्रॉपरली जो था अपना लंच कर पा रहे थे, लंच या डिनर जो भी था वो कर पा रहे थे, ठीक है। मोस्टली तो बर्थडे पार्टी रात में ही होती है, तो चलो ठीक है डिनर कर रहे थे, ठीक है, तो डिनर प्रॉपरली वो कर पा रहे थे, जो 100 पीपल थे वो प्रॉपरली डिनर कर पा रहे थे। क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि उनको स्पेस ज्यादा मिल गया। पर आप बोलोगे कि क्या हॉल में आके वो 100 लोग बढ़ गए, क्या हॉल में आके 100 लोग 200 लोग हो गए क्या, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या 100 लोग 200 बन गए हॉल में आके या एज इट इज सेम रहे। तो आपका आंसर होगा कि मैम वो 100 लोग 200 लोग कैसे हो सकते हैं, वो तो 100 के 100 ही रहेंगे, चाहे वो 100 लोगों को मैं कहीं पे भी लेके जाऊं, कितना भी बड़ा स्पेस हो, अगर मैं 100 लोगों को लेके जा रही हूँ तो 100 के 100 ही रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ, तो ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले तो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना कि नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज नहीं होंगे, आप कितना भी डाइल्यूशन कर लो, कितना भी वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते, ठीक है। पहली चीज तो ये कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। अगर मैं बोल रही हूं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स, अब समझना इसका फॉर्मूला हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके, मैं इसको बोल रही हूं इसका मोलारिटी है m1, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ना, अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स का डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू mv, मतलब मोलारिटी इंटू, या डायरेक्टली चलो पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखे नंबर, मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वही चीज तो कर रहे हैं, मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दे रही हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा mv, इसको मैं लिख रही हूँ mv डायरेक्टली, ठीक है mv हम लिख रहे हैं। तो अब मैं इसका बोल रही हूँ कि यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो मैं बोल रही हूँ दैट इज m1, और मास इज मोलारिटी इज m1, वॉल्यूम इज v1, यहां पे चेंज हो गया, मोलारिटी इज m2 v2 एंड वॉल्यूम इज v2। तो अब इससे पूरा एक कॉन्क्लूजन निकलता है आपका, पूरा कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, जब वॉल्यूम में चेंज आता है तो हम
फॉर्मूला यूज करते हैं, वी वन वी टू, इनिशियल वी वन वी टू था, मोलारिटी उसकी वी वन थी और वॉल्यूम उसका मोलारिटी एम वन थी, वॉल्यूम उसका वी वन था, और बाद में जाके मोलारिटी हो गई एम टू और वॉल्यूम हो गया आपका वी टू। तो ये आपका एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म अब डिफाइन हो गया कि ठीक है मोलारिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर इनिशियली अलग उसका मोलारिटी हो, वॉल्यूम हो या फाइनल अलग हो, बट उसमें एक चीज कॉमन रहेगी, एक चीज कॉमन रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक चीज कॉमन रहेगी, ये दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों में कॉमन या बोलोगे आप सेम, दोनों में कॉमन नहीं, दोनों में सेम रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ होंगे उतना ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी होगा, और उससे हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, उससे हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया, दैट इज एम वन वी वन इज इक्वल्स टू एम टू वी टू। इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। फिर से देखिए, यहाँ पे हमने शुगर के पार्टिकल्स लिए थे एक बीकर में, उसमें पानी ऐड नहीं करा था, फिर थोड़े टाइम बाद उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको डाइल्यूट करा तो वॉल्यूम बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहे, क्योंकि हमने वॉल्यूम इंक्रीज करा, क्योंकि हमने वॉल्यूम इंक्रीज करा पानी ऐड करके, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं हुए, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसी को जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे इसका, जब आप इस वाले सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, यहाँ पे थोड़ा सा है तो यहाँ पे मोलारिटी उसकी एम वन और वॉल्यूम वी टू, सॉरी मोलारिटी एम वन वी वन, यहाँ पे मोलारिटी एम टू वी टू, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब और क्लैरिटी आएगी। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, यही चीज नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं कि कैसा हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, दैट इज एम वन बी वन, इसको आपको एकदम ही याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, आप अगर जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो प्रैक्टिकल्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज 11th प्रैक्टिकल और वेदर इट इज 12th प्रैक्टिकल। जब हम हम जब टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन में सबसे ज्यादा जो है टाइट्रेशन में 11th और 12th का जो टाइट्रेशन होता है उसमें ये वाला फॉर्मूले का यूज होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि हमें उसकी मोलारिटी डिफाइन करनी होती है और वॉल्यूम किसी का गिवन होता है किसी का नहीं गिवन होता, हमें निकालना होता है, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना। मैंने इसका आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने एग्जांपल के थ्रू भी बता दिया। ठीक है, अब इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास है एटलीस्ट 1 or 2 मिनट जितने के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले 1 से 2 मिनट में इसको सोचे और सॉल्व करें, उसके बाद आप इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको पढ़ के क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml ऑफ 5 molarity सॉल्यूशन टू गेट दिस। उन्होंने बोला कि कोई सॉल्यूशन है 500 ml उसका 500 ml क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 500 ml, और उसकी मोलारिटी है, उसकी मोलारिटी है 5 और इसमें हम क्या ऐड करें, क्या करें जो कि उसका वॉल्यूम जो है, उसकी जो मोलारिटी हो, उसकी मोलारिटी मतलब m2 जो है वो हो जाए 2m, और वॉल्यूम हमें हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो वॉल्यूम आपको निकालना है, v2 यू हैव टू फाइंड आउट, तो v2 हमें निकालना है। फॉर्मूला लिख देते हैं, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, m1 v1 is equals to m2 v2, इसकी वैल्यूज यहां पुट करिए, m1 कितना है आपका 5 into वॉल्यूम कितना है 500 is equals to इसका वॉल्यूम कितना है 2 into v2, हमें नहीं पता वॉल्यूम, हमें नहीं पता, अब वॉल्यूम नहीं पता तो अब क्या करोगे आप, v2 को एज इट इज यहां रहने दीजिए, 5 into 500 मतलब 2500 is equals to, इसको और नीचे ले आओ, डिवाइड बाय 2 is equals to v2 is equals to v2, या इसको ऐसे लिख लो, v2 is equals to 2500 divide by 2, कितना हो जाएगा, v2 की वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम आ गया 1250, तो आपका आंसर, मिनी रीटर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर नंबर ए बताया है, बहुत सारे लोगों ने का आंसर आ रहा है ए, पर मैं बोल रही हूँ मेरा भी आंसर चलो अभी यही आया है ना, पर मैं बोलूंगी आंसर नंबर ए नहीं है, इसका आंसर नंबर
बी करेक्ट है। कैसे हुआ? आंसर नंबर बी करेक्ट। फिर से देखना, यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने बोला था, यहाँ पे जो वी टू वॉल्यूम आया है, वी टू जो वॉल्यूम आया है वो आपका सॉल्यूट का भी आया। उसमें सॉल्यूट मतलब कि पहले 500 था ना, पहले इतना था ऑलरेडी, पहले ऑलरेडी इतना था जो बढ़ा है, तो आप क्या करोगे? 1250 में से 500 माइनस भी तो करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वॉल्यूम जो था पहले बीकर में 500 तो ऑलरेडी था ना। वॉल्यूम जो आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा है वो तो 750 ही बढ़ा है, बस 750 ml ही बढ़ा है, तभी तो 1250 हुआ। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना था? 500 ml ऑलरेडी था, उन्होंने ये बोला है यहाँ पे ऑलरेडी 500 ml था। बोला ना कि वॉल्यूम जो है 500 ml V1 है, हम क्या करें कि उसका मोलारिटी 2m हो जाए और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना हो जाए? वॉल्यूम अभी हमारा टोटल वॉल्यूम आया कि जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज प्लस जो एडिट था पहले से, वो दोनों को मिला के कितना आया? दोनों को मिला के आपका 1250 आया, लेकिन 1250, बट ऑलरेडी उसमें 500 ml तो था, तो 500 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 750 ml आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये, तो आंसर विल बी, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो योर आंसर विल बी दिस। अगेन इसको वापस से देख लीजिए, मैं इसको प्रॉपरली लिख दे रही हूँ यहाँ पे, दैट इज M2 V2। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 5 × 500 इज इक्वल्स टू 2 × V2, 2500 डिवाइड बाई 2 V2। तो यहाँ पे आपका V2 जो वॉल्यूम है वो आया 1250 ml, और V2 आप क्या करोगे? V2 माइनस V1 करोगे तो डिफरेंस आएगा कि कितना डिफरेंस आया, क्योंकि यहाँ पे इनने यही पूछा व्हाट शुड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना एड करोगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपको निकालना है। तो जो डिफरेंस है 1250 तो टोटल है, टोटल V2 जो वॉल्यूम हुआ है वो माइनस करोगे पहला वाला वॉल्यूम, तो जो डिफरेंस जितना आप ऐड करोगे वो आएगा आपका 750 ml आप बाद में ऐड करोगे तो आंसर आपका आंसर हो जाएगा 750। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना और ये वाला मत लगा के आ जाना। सो दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, इसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा है मोलैलिटी। इसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा वो है मोलैलिटी। एक बार देख लीजिए मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी जो हमने बोला था, मोलैलिटी जो टर्म है हमारा, मोलैलिटी टर्म को जब आप देखोगे तो मोलैलिटी टर्म जो है उसमें एक ही डिफरेंस है। हम मोलैलिटी को क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, मतलब सोल्यूशन का ले रहे थे, और यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्वेंट का लेंगे। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो डिफरेंस बस इतना ही कि यहाँ पे हम सॉल्वेंट लेते हैं केजी में, और वहां पे हम क्या ले रहे थे? सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन का लीटर्स में। एक डिफरेंस है यहाँ पे, समझना उसको बस करके फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। एक कंसंट्रेशन टर्म और है उसके बाद, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे मैंने लिया 1 लीटर, 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है, वॉल्यूम लिया है, और यहाँ पे भी मैंने लिया है 1 लीटर। यहाँ पे मैंने कुछ शुगर ऐड करी है, यहाँ पे मैंने कुछ शुगर ऐड करी है, ये टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम जो है वो है आपका 1 लीटर। टोटल वॉल्यूम 1 लीटर हो रहा है, शुगर प्लस वाटर को मिला के, शुगर प्लस वाटर को मिला के हमारा टोटल वॉल्यूम हो रहा है वन लीटर। ठीक है, अब क्या करा मैंने, एक में बीकर लेके आई इसके पास, या कॉनिकल फ्लास्क लेके आई इसके पास, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में 1 लीटर का, 1 लीटर मैंने पानी लेके आए और इस पानी को मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैंने इसमें पानी को ऐड कर दिया। ऑलरेडी इतनी शुगर ले चुकी थी मैं, ऑलरेडी इतनी शुगर इसमें ऐड थी, इतनी शुगर थी, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 लीटर वाटर। तो क्या ये लेवल, देखो दोनों का लेवल मैंने सेम मार्क किया, यहाँ पे दोनों बीकर में एक ही लेवल पे 1-1 लीटर मार्क किया है। तो यहाँ पे तो 1 लीटर मार्क करा है, यहाँ पे भी 1 लीटर मार्क करा है, बट यहाँ पे ऑलरेडी शुगर थी, यहाँ पे दोनों मिक्स होके 1 लीटर हो रहे थे,
यहाँ पे दोनों मिक्स होके 1 लीटर हो रहे थे, यहाँ पे मैंने शुगर ऐड करने के बाद 1 लीटर लिया, तो क्या ये वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर नहीं हो जाएगा? क्या ये वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर नहीं हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा यस मैम, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शुगर इतनी, जब हम उसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम तो ऊपर हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों में से कौन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दोनों में से कौन सा ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेटेड लगेगा, ये वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा या ये? इसका वॉल्यूम देखो यहां तक हो गया है ना, इसका वॉल्यूम यहां तक है और ये वाला वॉल्यूम आपका यहां तक है, तो कौन सा ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा? ये बताता है मोलैरिटी, ये बताता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अपॉन सोल्यूशन इन लीटर्स, सोल्यूशन इन लीटर्स। तो लीटर में हम डिफाइन करते हैं 1 लीटर में कितना सोल्यूट है, लेकिन मोलैरिटी वो नहीं डिफाइन करती है। मोलैरिटी क्या डिफाइन करती है? मोलैरिटी ये बोलती है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब यहाँ पे तो मैंने लीटर लिया है, बट इसके बदले अगर आप केजी भी लोगे तो वो ये बोलता है कि 1 लीटर केजी में, सॉरी 1 केजी में, 1 केजी में आपका सोल्यूट कितना ऐड है, मतलब 1 केजी तो ऑलरेडी है, सोल्यूट प्लस 1 केजी, यहाँ पे ये जो 1 केजी है वो क्या है आपका सॉल्वेंट है, ये दोनों मिक्स नहीं है, यहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं ले रहे, हमारा यहाँ पे हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये हमारा सॉल्वेंट है, मतलब हम जो आपका सॉल्वेंट है वो 1 केजी, उसके अंदर हमने कितना सॉल्यूट लिया है वो बताता है मोलालिटी, ये मोलालिटी वो बताता है, और मोलालिटी को हम डिफाइन करते हैं स्मॉल एम से, और इसको डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से। मोलालिटी को आप डिफाइन करोगे स्मॉल एम से और मोलालिटी को डिफाइन करोगे स्मॉल एम से, दोनों में डिफरेंस एक ही चीज का है। इसमें हम सोल्यूशन को लेते हैं, लीटर्स में टोटल सोल्यूशन की बात करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन इन लीटर्स, और यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें हम सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट की बात करते हैं, और यहाँ पे हम सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन की बात करते हैं इन लीटर्स और यहाँ पे केजी, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी और है, ठीक है, यहाँ देखिए वही चीज लिखा है, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 1000 पर 1000 ग्राम पर 1000 ग्राम और केजी ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, ठीक है, वही चीज डिफाइन करी है, वही चीज डिफाइन करी है। अब इसके बाद बस पीपीएम आप देख लो, उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। पीपीएम क्या है? पीपीएम आपने सुना होगा, पीपीएम का मतलब बस इतना है कि यहाँ पे मास और वॉल्यूम, ये वाला जो पीपीएम आप देखेंगे, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसी के बदले अगर मैं बोलूं कि पीपीएच क्या हो जाएगा, इसी के बदले मैं अगर बोलती हूँ पीपीएच क्या हो जाएगा, पीपीएच पार्ट्स पर 100, कि 100 हमने टोटल 100 लिया, उसमें कितना पार्ट है सोल्यूट का, पार्ट्स पर 100, वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में बस हम क्या करते हैं इंटू इंटू 10 की पावर 6 करते हैं। अब देखो इसको और इजीली समझा देते हैं, कि अभी हमने परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था, परसेंटेज के फॉर्मूले से कोरिलेट करते हैं इसको। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था आपका? ऑप्टेंड मार्क्स, परसेंटेज का फॉर्मूला हम अगर मार्क्स से निकाले, ऑप्टेंड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स, ऑप्टेंड अपॉन टोटल इंटू 100 करते थे, ऑप्टेंड अपॉन टोटल इंटू 100 करते थे, किसमें? परसेंटेज में, ठीक है। बट पार्ट्स पर मिलियन में हम कुछ नहीं करेंगे, ऑप्टेंड मतलब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स, इसमें हम करेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स इंटू, यहाँ पे इंटू हम 100 कर रहे थे, यहाँ पे इंटू हम 10 टू द पावर 6 करेंगे, यहाँ पे इंटू 100 कर रहे थे, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 करेंगे। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि जब 100 चल रहा था तो इसको लेने की जरूरत क्या थी? इसको लेने की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें हम क्लोरीन वाटर ऐड करते हैं ना, थोड़ा सा क्लोरीन ऐड करते हैं, तो क्लोरीन हम उसको जब हम डिफाइन उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम मोलैरिटी या मोलैलिटी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी ये किसकी बात करता था? ये लीटर की बात करता था कि 1 लीटर में कितना ऐड किया, ये मोलैलिटी 1 केजी में कितना ऐड किया, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ऐड किया उसकी बात करता था। ये तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स हो गए, बट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हम ऐड ही नहीं कर रहे थे, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को ऐड ही नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम बहुत ही बस मान लो एक ड्रॉप ऐड किया,
तो उस ड्रॉप को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? उस ड्रॉप को कैलकुलेट करने के लिए उसका जो वॉल्यूम है, या बोलेंगे कि उसका जो अमाउंट है वो इतना छोटा है, उसके लिए हम इससे उसके लिए मोलैरिटी या मोलैलिटी से डिफाइन नहीं कर पाते। तो उसको हमने डिफाइन किस किससे किया? पार्ट्स पर मिलियन में किया, पार्ट्स पर मिलियन में किया। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब सिर्फ इतना है। और इसमें एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं या यूजेस की बात करूं, तो ये आपका मेनली स्विमिंग पूल्स में अगर आप देखोगे, जैसे कि क्लोरीन बहुत ही कम ऐड किया गया, तो उसको कैसे आप निकालोगे? तो आप निकालोगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। वही चीज है, बस आपका यहाँ पे परसेंटेज में 100 लगाते हैं, और परसेंटेज में हम 100 लगाते हैं, और यहाँ पे हम 10 to the power 6 लगाएंगे। अगर कोई बोलता है कि मेरे 85% आए, कोई अगर बोलता है मेरे 85% आए, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है 85 अपॉन 100। ठीक है, 85 अपॉन 100। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 70 ppm, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 70 ppm का मतलब 70 अपॉन 10 to the power 6, उससे आप डिवाइड करोगे। सिमिलरली परसेंटेज की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले को याद करना है कि कोई भी चीज अगर आपको दी है, यहाँ पे नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट, या कॉम्पोनेंट का पार्ट अपॉन टोटल कॉम्पोनेंट, नंबर ऑफ द पार्ट्स टोटल पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट इनटू में यहाँ लिख रही है ना, इनटू 10 to the power 6। तो बस कोई भी चीज आप यहाँ पे इनटू 10 to the power 6 से कर रहे हो, और वहां पे जब हम परसेंटेज निकाल रहे थे, तो परसेंटेज में ऑप्टेन अपॉन टोटल में हम यहाँ पे इनटू कर रहे थे 100 से। बस इससे ही कोरिलेट करके ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना हो जाएगा कि नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट और टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट इंटू 10 to the power 6। यूज क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो बहुत बड़े 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 एरियाज होते हैं, जिसमें हम बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज ऐड करते हैं, उसमें हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो ppm में करते हैं, उसमें हम कैलकुलेशन ppm में करते हैं। इसके अलावा जो आपका होमवर्क है वो ये कि ppb और ppt, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ppm और ppb को कैसे करके आप, ppm तो ऑलरेडी बता दिया, ppb और ppt को कैसे करके आप डिफाइन करेंगे, कैसे करके इसका फॉर्मूला आएगा, और क्या होता है ppb और ppt। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे इसके आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं उस पे। मेनली ये तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी हो गई है, इसके बाद हम हेनरीज लॉ, व्हाट इज सॉल्यूशन, वो मेन जो इसके टॉपिक्स हैं, अब आएंगे मेन टॉपिक्स पे। ये तो ऑलरेडी हमारा किसका था, ग्रेड 11 का था, और थोड़ा सा हमने इसमें थोड़ी सी और बात कर ली। ऑलरेडी ये सारी चीजें हम 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कर चुके हैं, बट थोड़ा सा डिटेलिंग फिर से कर दी, सो दैट इस चैप्टर में भी डिटेलिंग करी हुई है, और इसका यूज है, एक्चुअली इसका यूज है आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है आपके सॉल्यूशन चैप्टर में, इसीलिए इसकी डिटेलिंग स्टार्टिंग में करी गई। तो अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं आपके खत्म, इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।